तो आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी जेई एडवांस 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में वेक्टर से रिलेटेड है, कम्प्लीटली वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें यूज होता है। जैसे कि कहा गया है थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर शोन इन द फिगर। अब देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो पी वेक्टर क्या है, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है, और क्यू वेक्टर क्या है, ये पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर है, ठीक। और एक है आर वेक्टर, ठीक है। ये जो आर वेक्टर है वो ये है, ऐसे समझ सकते हैं। ये जो वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर हमें आर दिया गया। यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया, आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब जाकर के ये आर वेक्टर आएगा। आर वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आएगा कहीं, है ना। ये जो इक्वेशन दिया गया है आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वेक्टर आएगा। इसको मैं एक बार यहां पर दिखाता हूं। कहा गया है आर, इसको इधर लाएंगे तो आर प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो ये हो गया इधर आर और ये हो गया इधर पी। इन दोनों को ऐड करेंगे, हेड और टेल मिलाएंगे, है ना। ये इक्वेशन क्या कहता है, आर प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, मतलब आर और पी को ऐड करेंगे तो वेक्टर क्यू मिलेगा। वेक्टर क्यू जो है एक्चुअली में ऐसे है, तो ये वेक्टर क्यू हो गया। तो देख सकते हैं कि पी और आर का हेड और टेल मिल रहा है, फ्री टेल फ्री हेड मिलाएंगे तो पी प्लस आर आएगा जो कि क्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आर ये वेक्टर है अपना, यहां से यहां तक उसका लेंथ होगा या मैग्नीट्यूड होगा। एक पॉइंट एस दिया गया है जिसके बारे में यहां मेंशन किया गया है, लेट एस बी एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर। ये वेक्टर आर है, इसके ऊपर एक पॉइंट एस है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस इज बी इंटू आर। पॉइंट पी और पॉइंट एस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का, या यूं कह सकते हैं इसके लेंथ का बी टाइम्स ये वाला लेंथ है, है ना। अब आगे पूछा गया है द जनरल रिलेशन अमॉन्ग वेक्टर्स पी क्यू एंड आर इज। ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आप देखेंगे कि ये एक पी वेक्टर हो गया, है ना। ये पॉइंट एस है तो ये वेक्टर एस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा वेक्टर एस और ये वेक्टर बी इंटू आर दिया गया है। आप ऑप्शंस में देखेंगे सारे ऑप्शंस में एस की वैल्यू बताई गई है। तो यहां पर मैं एस को, एस वेक्टर को लिख सकता हूं पी प्लस ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, रिजल्टेंट आएगा ये एस वेक्टर, है ना। तो एस वेक्टर को लिखा जा सकता है पी प्लस, है ना, ये पी है और ये वेक्टर इधर है ना। इसके हेड से मैंने इसका टेल मिलाया है और ये वाला वेक्टर यहां से यहां तक, और फ्री टेल से फ्री हेड मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि एस के इक्वल होगा। तो ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है बी इंटू आर, मैग्नीट्यूड है बी इंटू आर। ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसमें नहीं है कहीं भी। तो डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन इसका आर के वेक्टर की तरफ है। तो आर वेक्टर की तरफ है कि यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, ये डायरेक्शन इसका बता देगा। मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ये बताता है कंप्लीट वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी प्लस बी इंटू आर। ये जो यूनिट वेक्टर है आर के डायरेक्शन में, उसको लिखा जा सकता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक। तो देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड आर और ये मैग्नीट्यूड आर दोनों कैंसिल हो गया है, है ना। तो क्या बचा, पी प्लस बी इंटू आर। तो P प्लस बी, ये जो R वेक्टर है उसको यहां पर क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में क्या बताया गया, R इज इक्वल टू Q माइनस पी। तो R के जगह पर मैं Q माइनस पी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, है ना। तो यहां से देखेंगे आएगा P प्लस बी क्यू माइनस बी इंटू पी। तो P जो है वो मैं एक जगह लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू। तो ये जो है एस वेक्टर आ गया,
ठीक। अब देखेंगे ये जो ऑप्शन है वो सी में आया है ना, वन माइनस बी इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू, तो जो सी ऑप्शन है एग्जैक्टली आंसर से अपना मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है।